राजस्थान में भी आज 149 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। आपको बता दें कि भरतपुर से 44 कोरोना पॉजिटिव, राजधानी जयपुर से भी कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए और लगातार यहां पर कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। राजधानी से आज 32, 12 से 27, पाली से भी 21 कोरोना पॉजिटिव, कोटा से 10, झालावाड़ से 5, झुंझुनू से 4 और सिरोही से 3 नए कोरोना पॉजिटिव आज पाए गए। दौसा से 2 और टोंक में भी एक नया कोरोना पॉजिटिव मिला और इसी के साथ में राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 8,980 फिलहाल है। राजस्थान में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। राजधानी जयपुर से 2 मौतें हुई है, 12 से 1 और बीकानेर से भी 1 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई। साथ ही में राजस्थान में जो कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा है वो 198 फिलहाल हो गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, फिलहाल जो राजस्थान की स्थिति की अगर बात की जाए तो लगातार यहां पर केसेस में वृद्धि हो रही है, इसी बीच आज अनलॉक 1.0 का पहला दिन है, तो किस तरीके से देखते हैं आप जागरूकता का समन्वय के साथ साथ लोगों की सुरक्षा, कितना सरकार इसके लिए सीरियस है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में लॉकडाउन 5.0 आज से शुरू हो चुका है और इसी बीच आज जो पहले लॉकडाउन 5.0 का पहले दिन सुबह जो मॉर्निंग बुलेटिन आया उसमें 149 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 8,980 हो चुकी है। साथ ही आज 4 और मौतें दर्ज की गई है और अब प्रदेश में 198 कोरोना से अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश इसमें अब तक की बात करें तो 6,040 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, साथ साथ उनमें से 5,325 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इसी तरह एक्टिव केसेस की बात करें तो अब तक प्रदेश में 2,742 एक्टिव केस है। साथ साथ जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे उसमें अब तक 2,543 जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। आज जो रिपोर्ट आई उसमें सबसे अधिक भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। भरतपुर में आज 44 कोरोना पॉजिटिव सामने और वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 297 हो चुकी है। इसी तरह जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी आज 32 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2,023 हो चुकी है। साथ ही साथ आज जयपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी दर्ज की गई है। साथ ही अब जयपुर की बात करें जयपुर में अब तक 93 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। साथ ही ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार जयपुर में बढ़ती जा रही है और जयपुर में अब तक 1615 जो मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं। ऐसे में अब 315 ही जो जयपुर में एक्टिव केसेस है। इसी तरह 12 में आज 27 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और 12 में जिस तरह से आज 27 आए हैं और अब 42 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। पाली में 21 कोरोना पॉजिटिव सामने और कोटा में भी आज 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसी तरह जयपुर में जो मॉर्निंग बुलेटिन क्या देखा जाए तो जयपुर सहित जो प्रदेश के 10 जिलों में जो आज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। हालांकि जिस तरह से जोधपुर में आज कोरोना पॉजिटिव नहीं आया लेकिन जोधपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और उसी के आधार पर जोधपुर का दूसरा स्थान है और जोधपुर में अब तक 1530 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन 5वें का आज पहला दिन है, पहले दिन 149 जो कोरोना पॉजिटिव सामने आए। लेकिन बात करें तो लॉकडाउन अब तक जो 4 लगाए गए उनकी तो पहला जब लॉकडाउन लगाया था उससे पहले प्रदेश में 32 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे। उसके बाद में पहला लॉकडाउन लगाया और पहला लॉकडाउन के दौरान 973 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। उसी के बाद लॉकडाउन 2 की बात करें तो लॉकडाउन 2 में 1881 प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव सामने जो लगातार बढ़ते रहे और लॉकडाउन 3 की बात करें लॉकडाउन 3 में 2316 जो प्रवासी जो कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आए और इसी के साथ साथ लॉकडाउन 4 में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आए और लॉकडाउन 4 में 3,629 जो कोरोना पॉजिटिव है वो मरीज बढ़कर सामने आए। इस तरह से बात करें तो लगातार जो लॉकडाउन जारी रहा उसमें जिस तरह से छूट दी गई उसी के साथ साथ जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती रही है और इसी तरह से बात करें तो आज लॉकडाउन 5 का पहला दिन है और पहले दिन ही 149 कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं। लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें चौथे लॉकडाउन में जो राहत भरी खबर ये है कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश में चौथे लॉकडाउन में 2,977 जो कोरोना के जो मरीज थे वो ठीक हुए हैं। ऐसे में बात
करें तो जो प्रवासियों की, तो प्रवासियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और बात करें तो चौथे लॉकडाउन में से पहले जब 17 मई से पहले 460 जो प्रवासी वो कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, और वो 14 दिन में बढ़कर 2518 हो चुके हैं। यानी कि जो 14 दिन के अंदर ही जो लॉकडाउन चौथा का पीरियड रहा उसमें 2058 जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव सामने है। इसमें लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसको लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से भी गंभीरता बरतते हुए जो जांच सैंपलिंग है वो बढ़ाई गई, और अब तक प्रदेश में तकरीबन जो 410,000 के करीब कोरोना की जो जांच सैंपल है वो लिए जा चुके हैं। जो अच्छी खबर कही जा सकती है कि उनमें जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बेहद कम नजर आ रही है। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।